हाय एवरीवन, एक बार फिर से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ आपके सामने। क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 बाय मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 बाय मॉड ऑफ कॉस एक्स, देन द रेंज ऑफ टी विच सेटिस्फाइज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के इंटू ग्रेटेस्ट ऑफ टी इज इक्वल टू 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। टी की रेंज दे रखी है 4 ऑप्शन, सिंगल करेक्ट है ये, चारों में से कोई एक इंटरवल जो है वो आपका आंसर है। आप पॉज करके ट्राई करिए, अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट करिएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअल में देख के पता नहीं चलता, बट सिंस आपके साथ मिनिमम वैल्यू इन्वॉल्व है तो आपको लगना चाहिए कि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीक्वेंस सीरीज में ए एम जी एम इनइक्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी वे में लगती है। आप देखिए, ज़्यादातर आप ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगा दें, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ए एम और एच एम की इनइक्वालिटी लगने वाली है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आप एक मॉड साइन एक्स ले लीजिए और एक आप मॉड कॉस एक्स ले लीजिए, तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा तो वो ऐसे लिखा जा सकता है, ये सबको पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू देयर हार्मोनिक मीन, जो कि कुछ इस तरह से निकलेगा 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये आपकी इनइक्वालिटी लग गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सारी टर्म को इस तरफ ले जाइए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसी की तो आपको तलाश थी ना। तो अगर तो आपने पहले ऐसे सवाल कर रखा है तो फिर तो आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, एक नई प्रॉब्लम टाइप आपकी आज और कवर होगी, है ना। ऐसे और कई सारे सवाल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, ये आ गया। अब इसकी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डाल सकते हैं, तो ओवरऑल मिनिमम हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, कि कम से कम ये क्वांटिटी कितनी हो जाती है, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये मैक्सिमम कब होगा, अपने √2 पे हो जाएगा ना, वो तो हमें पता ही है। तो ये वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी आपके पास 4 अपॉन 2 का रूट, है ना, 4 अपॉन 2 का रूट, विच इज इक्वलेंट टू 2 √2। तो जो यहाँ पे के की बात हो रही है, तो यही आपका के रहा होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी योर के। ये सारे के सारे फ्रेश क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जैसे क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, तो आगे कैसे आ सकते हैं, ये उसके बेसिस पे एकदम प्योर क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। यहाँ से कॉपी करके कोई बना ले तो बना ले। तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब इधर चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के कितना होगा वो निकालना पड़ेगा हमें। 2 √2 का तो ग्रेटेस्ट चेयर आई थिंक 2 हो जाएगा, है ना, और 3 के का ग्रेटेस्ट चेयर कितना बनेगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो 3 × 2 × √2, ये आप चेक करिए, अराउंड 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये भी 8 हो गया। तो जो इक्वेशन दे रखी है आपको, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के और ग्रेटेस्ट ऑफ रूट ग्रेटेस्ट ऑफ टी एंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 के, वो आपकी बन जाएगी अराउंड 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इज इक्वल टू 8। दिस गिव्स यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी एज 4, एंड सबको पता है टी यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा, अब इतना तो आप जानते हैं। तो ये जो है आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा, है ना। आई होप आप भी सही निकाल पाए थे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, एडवांस बूस्टर की शीट में आपको सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।